हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स यहां पर निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए वेरियस पाइपलाइन डिवीजन के अंतर्गत। इसके लिए फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 4 नवंबर 2019 से 22 नवंबर 2019 तक। और फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। इसका लिंक फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देख सकते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। और यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको इसका जो लिंक है वो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। जैसा मैंने आपको बताया, 4 नवंबर से 22 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक सेक्शन मिलता है रजिस्टर का, तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर नंबर और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। और इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रजिस्टर नंबर चाहिए, और रजिस्टर नंबर आपको मिलेगा इस रजिस्टर नाउ वाले टैब से। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहली ही लाइन आपको देखने को मिलती है, द नेम एंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच एग्जैक्टली विद द जो डॉक्यूमेंट फोटो आईडी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नाम यहाँ पर फिल करना है। तो फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपकी मार्कशीट पर आपकी आईडीज में वो सेम होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको आगे की प्रोसेस में चाहे इसी फॉर्म की बात करें चाहे अदर फॉर्म की बात करें आपको दिक्कत नहीं होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर रीजन की। तो यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, आप ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या साउथ ईस्टर्न रीजन कौन सा आप यहाँ पर चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है ट्रेड अप्लाइड फॉर, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ट्रेड दी गई है, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ पर ट्रेड चाहते हैं या फिर जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ से आप जो ट्रेड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके स्किल सर्टिफिकेट का। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका अभी एक्टिवेट नहीं है, पर यदि फ्रेंड्स आपके भी एक्टिवेट होता है तो आप यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेचर ऑफ कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि आपने जो क्वालिफिकेशन है जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट की है वो आपने कंप्लीट की है या नहीं की है। यदि फ्रेंड्स आपने कंप्लीट की है यस करेंगे, नहीं की है आप नो करेंगे, पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको जो यस यहाँ पर करना ही होगा तभी फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे एक सेक्शन मिलता है डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ कोर्स का। तो देखिए आपका जो ये कोर्स है जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया है ये फ्रेंड्स आपका कब कंप्लीट हुआ है वो फ्रेंड्स आपको यहां से सेलेक्ट करना है। वो अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर जो भी आपकी मार्कशीट में आपको डेट अंकित है वो फ्रेंड्स आप यहां पर चूज करके लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने कभी पहले अप्रेंटिसशिप लिया है या नहीं लिया है, यदि फ्रेंड्स आपने नहीं लिया है आप नो करेंगे, पर यदि फ्रेंड्स आप यहां पर यस करते हैं तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। फर्स्ट टाइम अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए ही ये रहता है। इसके बाद है फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन कि आपके पास कोई ट्रेनिंग या फिर जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज्यादा, तो फ्रेंड्स आप यहां पर नो करेंगे, और यदि फ्रेंड्स आपके पास है तो आप यहां पर यस करेंगे, और यहां पर फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आप यहां पर नो ही करना आपको होगा। मतलब आपके पास अप्रेंटिसशिप पहले नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने बीई, एमबीए, एमसीए, एलएलबी आपने कर रखी है या हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है, नहीं है आप नो कर देंगे, पर यदि आप यहां पर भी यस करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, इसलिए आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आप नो कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपकी कि आप रजिस्टर्ड हैं बोर्ड से या फिर आरडेट से या फिर एनएसडीसी से। यदि आप यहां पर नो करते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक मैसेज मिलेगा कि आप अपने आप को वहां पर पहले रजिस्टर कर लें, आपकी जो डिटेल्स हैं उसको आप रजिस्टर कर लें, या फिर जो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसके लेटर स्टेज में भी फ्रेंड्स जो आपका सिलेक्शन होगा वो फ्रेंड्स आपको इशू क्रिएट करेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप इनमें से किसी भी बॉडी में जो है आपका रजिस्टर कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। और यस करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस में रजिस्टर्ड हैं। तो आप एनएसडीसी में रजिस्टर्ड हैं या फिर रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आप रजिस्टर्ड हैं या फिर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आप रजिस्टर्ड हैं, वो फ्रेंड्स आप
यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है फर्स्ट नेम, तो देखिए आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो फ्रेंड्स आप यहां पर एंटर करने वाले हैं। इसके बाद जो भी आपका नाम है ये फ्रेंड्स आपको कंफर्म करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, तो देखिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपका यहाँ पर ईयर मंथ और डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके कैटेगरी ऑप्शन, तो देखिए आपकी जनरल कैटेगरी है या फिर आपकी एससी कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो आपकी जो कास्ट है वो फ्रेंड्स सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं है, और अगर वो सेंट्रल लिस्ट में है तो आपके पास सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल है या नहीं है वो आपको यहाँ पर अपने पास तैयार रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप जो आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको बतानी होगी। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप अपनी जो परसेंटेज है वो बताएंगे, आपके टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे और आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये उनके लिए है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, नहीं तो आप यहाँ नो करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में फिल करेंगे और उसको दो बार फिल करने के बाद आप यहां से इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो मेल आईडी है, आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो फ्रेंड्स आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो आपकी मेल आईडी है वो आपको दो बार फिल करनी होगी, दो बार फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये मेल आईडी है ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है पासवर्ड ऑप्शन, तो देखिए आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। अब पासवर्ड देखिए आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो पासवर्ड जो है आपका 5 से 8 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में फ्रेंड्स आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, एक कैपिटल लेटर लेना है और एक अल्फाबेट आपको यहाँ पर लेना होगा। तो ये तीन चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए और जो पासवर्ड है वो फ्रेंड्स 5 से 8 कैरेक्टर के बीच में आपको जनरेट करना है। वो पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे और उसको दो बार फिल करने के बाद इसको कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड आप यहाँ फिल करके इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर एक बार डिटेल्स को एक बार चेक कर लें, कोई भी गलती आपने किसी भी सेक्शन में नहीं की हो, और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फ्रेंड्स आपको यहां मिल जाता है, आपका जो भी रजिस्टर मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है उस पर भी डिटेल आपको सेंड कर दी गई है। यहां पर फ्रेंड्स आपको मिलता है प्रोसीड टू एप्लीकेशन पार्ट 2 का ऑप्शन, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और ये कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड डालकर फ्रेंड्स आप यहां से इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन का। तो यहां पर देखिए आपने जो जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल की होंगी वो आपको यहां पर शो करेंगी। सेकेंड स्टेप जो है वो है फ्रेंड्स आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर देखिए आप जो आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप आराम से सभी डिटेल को चेक कर लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स जो साइज़ है यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ का, वो मैक्सिमम साइज 50 KB आपको यहाँ दिया गया है और मिनिमम जो साइज़ है वो 20 KB है। अगर सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। JPG इमेज में आप इनको अपलोड करेंगे और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। आप आराम से इन सेक्शन को आराम से पढ़ लीजिए और JPG इमेज में आप फ्रेंड्स यहाँ पर इनको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपनी फोटो को जो है यहाँ पर आपके सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है 7 नेक्स्ट का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी आपकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर है उसका देखिए आपको प्रीव्यू यहाँ देखने को मिल जाता है। आपको जब प्रीव्यू देखने को मिल जाता है आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, तो फ्रेंड्स आप दोबारा से 7 नेक्स्ट आगे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल डालनी है, मतलब जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं उनकी आपको एंट्री करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ जेंडर चूज करना है, आप कोई भी जेंडर जो भी है आपका वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका क्या है, मतलब आप किस स्टेट के निवासी हैं, वो फ्रेंड्स आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी फादर नेम है वो फ्रेंड्स आप यहाँ इस सेक्शन में लिखेंगे, पूरा नाम आपको लिखना होगा। साथ में फ्रेंड्स आपकी जो मदर नेम है वो भी आपको पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस का। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लाइन है ये आपका लिखना मैंडेटरी है। यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप मल्टीपल लाइन में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो पहली लाइन ही आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी सिटी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो पिन कोड है वो फ्रेंड्स आप यहाँ फिल कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्टेट का, आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आपका जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो आप इस सेम एस पर क्लिक करेंगे। यदि ये अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री इसकी कर सकते हैं। हमारा ये सेम है हमारी कंडीशन में, तो हम यहाँ पर इस पर सेम एस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक नीचे कॉपी आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से सेवन नेक्स्ट टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बतानी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो फ्रेंड्स आपको फिल करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर जैसे टेंथ की बात करते हैं तो नेम ऑफ डिग्री या डिप्लोमा या बोर्ड, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो आपके सबसे पहले आप यहाँ पर बोर्ड का अपना जो एंटर कर देंगे, आपने किसी बोर्ड से की है, आपका नेचर ऑफ कोर्स क्या था, आपका कोर्स या ड्यूरेशन ऑटोमेटिक एक एक दोनों में आ जाएगा, ये है आपके मंथ या ईयर ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग और ये है आपके मंथ या ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीट। अब देखिए ज्वाइनिंग की डेट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास जो है कंप्लीट की डेट जरूर होगी, जो कि आपका रिजल्ट डेट है वही आपकी कंप्लीट डेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मंथ है और उसके बाद जो आपका ईयर है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इससे एक साल पहले की डेट को आपको यहाँ पर डाल देना होगा, मतलब आपने एक साल पहले इसको ज्वाइन किया होगा तो वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका मंथ एंड ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी एक साल की होनी चाहिए। इसके बाद है एग्रीगेट परसेंटेज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी परसेंटेज है वो फ्रेंड्स आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके ट्वेल्थ का, तो फ्रेंड सेम आपको यही प्रोसेस करनी है, आपका बोर्ड का नाम, आपका जो नेचर क्या था, आपने इसको कब से कब तक कंप्लीट किया है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आपकी जो पासिंग मंथ है या पासिंग ईयर है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपका ये पासिंग मंथ या पासिंग ईयर आपके मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको जो इसकी एक साल पहले की जो डेट है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी आपकी यहाँ पर पासिंग ईयर या पासिंग मंथ है उससे एक साल पहले या फिर जितने आपके कोर्स की ड्यूरेशन है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जो आपकी परसेंटेज है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास आईटीआई है या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, पीजी डिग्री है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास है वो आप फ्रेंड्स आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप कोई अदर क्वालिफिकेशन भी परस्यूइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी नहीं कर रहे हैं आप नो रहने दें, सारे ऑप्शंस आपके डीएक्टिवेट रहेंगे। पर यदि फ्रेंड्स आप कोई कोर्स जो है इस समय कर रहे हैं प्रेजेंट में तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उस कोर्स की डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर नो करके भी आगे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी और ये ध्यान रखिएगा जो भी क्वालिफिकेशन आप फिल करेंगे वो जो भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं उससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके प्रीव्यू सेक्शन का, तो आपने अभी तक जितने भी डिटेल फिल की है, चाहे वो आपके यहाँ पर फोटोग्राफ या सिग्नेचर की हो, आपकी पर्सनल डिटेल हो, आपके जो क्वालिफिकेशन हो, वो फ्रेंड्स आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। आप आराम से सभी डिटेल को चेक करते हुए नीचे लास्ट तक आप आएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है या फिर लास्ट ऑप्शन है ये है आपके फाइनल सबमिट का। आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, आप सीधे यहाँ पर इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड देखिए एप्लीकेशन जो डाउनलोड है वो फ्रेंड्स आपकी स्टार्ट होगी 5/11/2019 से। उससे पहले फ्रेंड्स आप इसकी जो आपका जो फाइनल सबमिशन है उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, अभी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कल से आपको ये जो है आपको यहाँ पर जो डाउनलोड पेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की IOCL पाइपलाइन अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। बाकी की जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।